एसकेएमसीएच को मिलेगी एक नई एम्बुलेंस, मरीजों को होगा फायदा। एसकेएमसीएच में इंडियन कॉरपोरेशन रॉयल की ओर से एक नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई है। यह 2 से 3 दिनों के अंदर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा को सौंपा जाएगा। प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार ने बताया, इस एम्बुलेंस को पीकू वार्ड के निकट रखा जाएगा, गंभीर मरीजों को इससे लाभ मिलेगा। एसकेएमसीएच में एक नई एम्बुलेंस आने की बात सुन रहे हैं, क्या है मामला सर? वो इंडियन कॉर्पोरेशन ऑफ ऑयल्स के तरफ से हम लोगों को एक कल मैंने साइन किया है, वो एडवांस लाइफलाइन सपोर्ट का एक एम्बुलेंस हम लोग को कॉलेज को सिर्फ मिल रहा है और इसके तहत में हम लोग इसकी देखभाल करेंगे और मरीजों की इसकी सुविधा उसके उपलब्ध कराई जाएगी। एक हफ्ता में आ जाएगा ये इसकी सेवा निःशुल्क। हाँ, जहाँ जहाँ निःशुल्क सेवा देना है उसके देंगे, लेकिन चूंकि बेसिक इसका एडवांस लाइफलाइन सपोर्ट का ये एम्बुलेंस है, इसलिए इसकी उपयोगिता हम लोग कार्डियक पेशेंट या एडवांस जो डिजीज है उनके मरीजों के लिए रखेंगे। इसके लिए हम लोग ने जगह चयनित कर रखा है, पीकू के पार्किंग स्थल पर इसका ये रहेगा और इसके लिए हम लोग ड्राइवर वगैरह ये सब की व्यवस्था के लिए हम लोग कल बैठक बुला रहे हैं। बैठक के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। कल इसके लिए बैठक आयोजित कर रहे हैं? हाँ, आयुष्मान की तरह बैठक है। इसमें ये भी चर्चा होगी कि ये जो नया लाइफ लाइन सपोर्ट जो एम्बुलेंस आ रहा है ये काफ़ी महंगा है, इसका देख रेख, इसका रखाव, इसकी सारी व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सर, आप प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार जी, जी जी सर, धन्यवाद धन्यवाद।